अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम काइन मास्टर स्टोर के नाम से टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा पार्ट नंबर 11 बनता है काइन मास्टर के ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम काइन मास्टर स्टोर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि काइन मास्टर स्टोर किधर है। काइन मास्टर स्टोर इधर जो है ना पाया जाता है, ये काइन मास्टर स्टोर है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो आगे जो है ना काइन मास्टर एसेट स्टोर के नाम से सारा खाता ओपन हो गया। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिक्स और क्लिप्स हैं जिसको हम अपने प्रोजेक्ट में अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जितनी भी ग्राफिक्स क्लिप्स या वीडियो क्लिप्स वगैरह जो भी है ना, या जो भी इफ़ेक्ट्स हैं इसमें, ग्राफिक इफ़ेक्ट्स, ये सारे इफ़ेक्ट्स या वीडियो क्लिप्स या साउंड क्लिप्स जो है वो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अपनी वीडियो का पार्ट बना सकते हैं या किसी भी वीडियो पे वॉइस ओवर कर सकते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के पिक्चर्स पर वॉइस ओवर कर सकते हैं, या बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इसमें। सबसे पहला ऑप्शन जो है इसमें, ये हम चेक करते हैं, ये थैंक यू वाला, इसको हम प्ले भी कर सकते हैं। ये हमारे सामने ओपन हो गया। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिकल क्लिप्स हैं, इसको हम इधर से क्लोज हो गया ये। अच्छा, इसके अलावा इसमें ऑप्शन है डाउनलोड, तो इसमें डाउनलोड का ऑप्शन भी है, इसको हम देख भी सकते हैं। मतलब जो भी ग्राफिक्स या जो भी क्लिप हो अगर हमें पसंद आ जाए, पहले हम देखेंगे कि पसंद आ जाए तो फिर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डाउनलोड जो है वो बिल्कुल फ्री है, कोई मसला नहीं है इसमें, और बग़ैर कॉपीराइट क्लेम के हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख जाते हैं तो इसमें और भी इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन, ये है इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन। ये भी मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिकल इफ़ेक्ट्स हैं, इसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये मुख्तलिफ किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इफ़ेक्ट्स में जो है ना ब्लर इफ़ेक्ट है दूसरे नंबर पर, ये ब्लर इफ़ेक्ट जो है ना सारे हम इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कलर इफ़ेक्ट्स, कलर के बाद डिस्टॉर्शन, ग्लिच, लेंस, मास्क, और उसके बाद नॉइस, उसके बाद ट्रांसफॉर्म्स, यानी ये सारे इफ़ेक्ट जो है ना हम इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं बग़ैर किसी कॉपीराइट क्लेम के। उसके बाद ऑप्शन है ट्रांजिशंस, ये ट्रांजिशंस का ऑप्शन है, और ट्रांजिशन में भी मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन जो है ना हमें दिए गए हैं। अपनी पसंद के मुताबिक हम इसको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशंस के बाद है ऑप्शन स्टिकर्स, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिकल स्टिकर्स हैं, इसको डाउनलोड करके हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है म्यूज़िक का ऑप्शन, म्यूज़िक में भी मुख्तलिफ किस्म के म्यूज़िक अवेलेबल है। जिस तरह हम एक को देखते हैं,
ये जितने भी साउंड इफेक्ट्स हैं हम इसको सुन भी सकते हैं, फिर डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक जो हमें पसंद आ जाए उसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एकाउस्टिक का ऑप्शन है, उसमें भी ये मुख्तलिफ़ किस्म का साउंड्स पड़े हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर चिल्ड्रन, जो कि ख़ासकर चिल्ड्रन के लिए है, फिर सिनेमेटिक, फिर क्लासिकल, फिर डांस, फिर EDM, फिर इलेक्ट्रॉनिक, हिप हॉप, हॉलीडे, जेज़ ब्लूज़, न्यू एज, पॉप, R&B, सोल, रॉक, वर्ल्ड, थीम, ये सारे जो म्यूज़िक के इफ़ेक्ट्स हैं, साउंड के इफ़ेक्ट्स हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करें, डाउनलोड करके। इसके बाद है साउंड इफ़ेक्ट्स, साउंड इफ़ेक्ट के नाम से है बिल्कुल खालिश मुख्तलिफ़ किस्म के सिर्फ साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई और म्यूज़िक जो है इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ ये साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। ऑडियंस रिस्पांस वाला, फिर कार सिलेक्शन, कार्टून एंड फनी, डोर सीरीज, फैंटासी फिल्म, फुटस्टेप्स, जनरल, गिटार एसेंट्स, हेट एंड वूश, लाइब्रेरी, मशीन एंड टूल्स, म्यूजिकल इफेक्ट्स, पंच एंड ब्रेक, स्पोर्ट्स, थंडर, टीवी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉइस एक्टिंग, वाटर, ये जो है ना साउंड इफेक्ट्स में ये वाले ऑप्शन सारे जो है ना अवेलेबल है हमारे पास। और इसके बाद है क्लिप ग्राफिक्स, यानी मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिकल इफेक्ट्स है ये क्लिप ग्राफिक्स। जो भी है ना जितनी भी है इन सारे इफेक्ट्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर इन सब इफेक्ट्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देख जाते हैं, इसमें सेलिब्रेशन के नाम से है बाकी, फिर सिनेमेटिक, ग्रंज, एंट्रो, मॉडर्न, सिंपल, फिर प्रोमोशनल, रिट्रो, रोमांटिक, स्टाइलिश, टैक्टिकल, ट्रेवल, ये ऑप्शन है इसमें। इसके बाद है वेडियस, ये मुख्तलिफ किस्म के वीडियो इफ़ेक्ट्स हैं, इसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। हम पहले एक को चेक करते हैं, ये इफेक्ट है, इसको हमने देख लिया, डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो, पसंद हो। इसके बाद ये सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम सारे यूज़ कर सकते हैं। वीडियोस के बाद ऑप्शन है इमेजेस, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के फोटोग्राफ्स या इमेजेस हैं जिसको हम डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं, इसको भी हम अपने मकसद के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सेंस सिर्फ सिर्फ डिस्प्ले, हैंड राइटिंग, कोरियन, कोरियन स्टाइल है इसमें, फिर जापानीज़, फिर अरेबिक, चाइनीज़ सिंप्लीफाइड, चाइनीज़ ट्रेडिशनल, फिर है ताई, तमिल, देवनागरी, खमीर, साइरिलिक, वियतनामीज, मलयालम, उर्दू, उर्दू की भी इसमें अवेलेबल है, और तेलुगु भी है। बस ये सारे ऑप्शंस थे जो कि काइन मास्टर स्टोर में अवेलेबल हैं, तो इन सारे ऑप्शंस को हम देख सकते हैं, इसको सीख सकते हैं सही, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं।
ये जो है ना बहुत ही मुफीद ऑप्शन है काइन मास्टर में, क्योंकि इसमें कोई फिर कॉपीराइट क्लेम वाला मसला हमारे लिए नहीं होगा। तो ये यूट्यूबर्स के लिए या बाकी नेट में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए जो भी वीडियोस बना रहा है बंदा, तो वो इसको यूज़ कर सकता है बगैर किसी मसले के। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी।